इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में छठ पूजा पर आज बड़ा सियासी बवाल होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यमुना किनारे आईटीयू घाट जाएंगे और पूजा करेंगे। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल की वजह से यमुना किनारे छठ पूजा पर पाबंदी लगाई गई है और इसलिए आज वो पूर्वांचल के लोगों के साथ पूजा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको हिंदू विरोधी साबित करना चाहती है। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो आज पूर्वांचल के लोगों के साथ आईटीओ छठ पूजा के लिए घाट पर जाएंगे। हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल उनको रोक कर दिखाएं। जहां एक तरफ हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे पूर्वांचल भाइयों बहनों के साथ में। आईटीओ छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर हम इस छठ पर्व के लिए पूजा करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। क्या अब हम अपना त्योहार भी नहीं मना सकते? क्या हमें अपना त्योहार मनाने के लिए आपके हाथ पर जोड़ने पड़ेंगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी परमिशन के लिए? यमुना किनारे जिस आईटीओ छठ पूजा घाट पर बीजेपी पूजा करने वाली है, वहां अरविंद केजरीवाल भी छठ पूजा के दिन आने वाले हैं। आईटीओ घाट पर क्या सियासत होने वाली है, भास्कर मिश्रा की इस रिपोर्ट से समझिए। छठ महापर्व के लिए पूरे देश भर में घाटों की सफाई हो रही है। मैं इस वक्त आईटीओ पे हूँ, राजधानी दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। ये एक परमानेंट छठ घाट बना हुआ है और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे रंग रोगन किया जा रहा है। सोमवार तक का वक्त दिया गया है जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा, पेंट किया जा रहा है यहाँ पे। और दरअसल एक तरह का ये वीआईपी घाट है। यहीं पे खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पहुँचेंगे और भगवान सूर्य को यहाँ से अर्घ्य देंगे। और जबकि डीडीएमए का ये आदेश है कि यमुना नदी पे इस बार छठ की पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है, लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि उसके सामने जो वीआईपी घाट है वहाँ पूरी तैयारी की जाए। यहाँ पे एक देख सकते हैं कृत्रिम तालाब भी है और इस तालाब में लोग आराम से पानी में खड़े हो सकते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और लिहाजा इसमें पानी भरा भी जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।